जीवन की सहसरी रहते हैं, सहसरी चले जाते हैं और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे जन साधारण अपना जो दैनिक कार्य भी करता है, संसारिक व्यवहारिक कार्य भी करता है और परमात्मा की भक्ति भी करे। यानी वो उदाहरण देने आते हैं कि परमात्मा के पाने के लिए ना तो किसी उच्च जाति की आवश्यकता है और न ही किसी त्याग की आवश्यकता है, यानी घर छोड़कर जाने की। जैसे हम ड्रामा सुना करते हैं, घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे, सब इच्छाओं का नाश करके बाहर चला जा, तभी मोक्ष होता है। नहीं, बाहर जाने से भी इच्छाओं का नाश नहीं होता, यह भी भूल है हमारे। इच्छाओं का नाश तो ज्ञान से होगा, भक्ति कमाई से होगा, सच्ची श्रद्धा से पूर्ण संत की शरण में आकर साधना करने से इच्छाओं का नाश होगा। आपने सुना है कि सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। इच्छाओं का नाश भी सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा तब ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम अभी तक जो साधनाएं करते थे वो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी विष्णु जी और शिव जी, और विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी की, फिर अन्य देवी देवता जो भी मिल गया उसी को प्रणाम, उसी की पूजा प्रारंभ। हम अनन्य मन से भक्ति नहीं कर रहे थे, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। व्यभिचारिणी, और हमें अव्यभिचारिणी भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी, गीता जी इसकी साक्षी है। गीता जी में क्या लिखा है कि जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए हैं। परमात्मा ने विश्लेषण दिया कि जैसे रजगुण ब्रह्मा जी का की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, साधना करके के जुल्म किए, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया, प्रह्लाद के साथ वो घोर अत्याचार किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरिया। एक तो भक्ति करें, उस भक्ति से ये प्रतिफल मिलता है। अब क्या बताया परमात्मा है कि अरणा को छाती तोड़वाई, हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण का अर्थ होता साधक, एक ब्राह्मण का वैसे सीधा अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, जिसकी परमात्मा में लगन लग जा कि भाई परमात्मा की भक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी को नहीं, यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है यदि साधना नहीं की। इसको ये सारे ब्राह्मण की डेफिनेशन में आते हैं। तो एक तरफ तो भगत बनया, साधना करी, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, काम कसाई कैसे, हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। तो रजगुण ब्रह्मा जी के का उपासक हिरण्यकशिपु वो जुल्म किया और राक्षस कहलाया, फिर तमगुण शंकर जी का उपासक रावण था, उसने के जुल्म किए, ऐसी साधना की तुम सात जन्म नहीं कर सकते। उसने अपना यहाँ से काट के शरीर शंकर भगवान, तमोगुण शंकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी शक्ति इन भगवानों में है, वो जो का तो फिर जीवित कर दिया, फिर ऐसे 10 बार काट कर दिया, 10 बार वापस दे दिया और अंत में के जुल्म किया, पर स्त्री को उठा लाया, क्योंकि दुर्गा ने ही 3 रूप धारण किए थे। दुर्गा जगत जननी कहलाती है, उसी के 3 अंश वचन से ये उत्पन्न हुई थी, जिसको सावित्री ब्रह्मा से शादी कर दी, लक्ष्मी का विष्णु जी से ब्याह कर दिया और पार्वती का शिव जी से नाता जोड़ दिया था। तो यहाँ बताया है कि अपनी ही माता को यानी लक्ष्मी को उठा लाया, सीता जी को,
राक्षस जैसे कर्म किए, दूषित कर्म, इसे बुंडा कर्म और के करेगा यो। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये चार उपमा दी हैं। ये चारों रावण के अंदर लागू होती हैं जो तमोगुण शिव का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का उपासक है, गिरिपुरी सन्यासी औगड़नागा, ये सारे शिवजी के उपासक हैं तमोगुण शिव के। तो एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिवजी के द्वार पर सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर सिरासन लगा के 12 वर्ष तक साधना की, तपस्या की। और जब पार्वती जी को देखा उसके मन में दोष आ गया। उसने के सोचा कि श्री शंकर भगवान जी के पास एक भस्म कड़ा है, भस्म कड़ा मांगूंगा और शंकर जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से 12 वर्ष तक शिव जी के द्वार गेट के सामने धरना दे दिया। एक दिन भगवान शिव जी ने पूछा कि बोल क्या मांगता, क्या चाहता है तू उपासक, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। तो भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। अब भगवान शंकर जी ने सोचा के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा भी तथास्तु, मैं हो गया वचनबद्ध, मांग क्या मांगता। तो खड़ा हो गया सीधा सीधे पैरा और खड़ा होते ने बोला ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी साधु संत जंगल में रहता है, कोई हिंसक जानवरों से या राक्षसों से बचने के लिए मांगता होगा, निकाल कर तुरंत दे दिया कि ले बच्चा। अब क्या कहता है भस्मागिरी, केले शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 का डन लग गया। तो उसी समय शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम रूप बदल गया निकम्मा। अर्यु तो एक बार तेरे सिर पर न्यू कर दिया भस्म, वो क्या था उसमें गुण के जिसके सिर पर ऐसे करके अर्ये कह दे भस्म, वो फूक देता था, ऐसा करंट बने था उसमें, वचन उसका रिमोट था। अब शंकर जी ने तो पता था तो अपने हथियार का कि ये तो एक बार न्यू कर तू मरिया, डांक ठोक दिया, स्पीड खींच दी, आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, दोनों जैसे जोटे का पीछे जोटे बाजा रहे, ऐसे दौड़े जा रहे हैं और शंकर जी का पसीने आ रहे। पुण्यात्माओं ये कथा हम पहले ही पढ़ा करते, शिवपुराण में लिख रखी है। और यह मन मनाया करते हमें नविनाशी कहें अजर अमर कहें, अरे यो भगवान स्पीड खेच रहा डर के भाग रहा भगवान शंकर, तो अविनाशी क्यों करोगे, अविनाशी होता कह ताजा भाई कर, कति असर ना हो इस पे। फिर भगवान पार्वती रूप बना के वहां प्रकट हो गया भस्मागिरी और शंकर के बीच में, जब वो दौड़े जा रहे थे। तो भस्मागिरी ने कहा तू क्यों करेगी अड़े पार्वती, वो बोली मैं आपके लिए आई हूं, और क्यों भाग रहे हो, रुक जा, इबो तो वापस आवे को नहीं, शंकर तो शंकर जी तो आवे को ना, उसने बेरा है इसमें कितनी शक्ति है, आ जा आप यहाँ बैठेंगे। वो तो खाड़े पार्वती खातिर कर रहा था, उड़े रुक गया, ला दिया फुल ब्रेक, वहीं रुक गया। और फिर पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा, कुछ प्यार कर। भस्मागिरी कहने लगा मैं तो साधु तपस्या करनी आदमी हूँ, मैंने डांस डोंस ना करना आता। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि आज मैं सिखाऊंगी, इस पैर न आगे कर, इस पैर न पीछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इस ने ऐसे कर, इस हाथ को और ऊपर कर, जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था ना भस्म कड़ा, कहने लगी और कर और कर, जब शर्पा लिया नो कह दिया भस्म, और भस्मागिरी का टंटा काटा। अब उस भस्म कड़ा ने ठाक भगवान विष्णु रूप धारण करके पूर्ण परमात्मा शंकर जी के सामने खड़ा, उसका भाज्य जा था नौकती स्पीड तें आगे पहुंचे, कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, ए शंकर जी रुक जा, अकाजा बागले विष्णु बाजा बाजा मर गया,
अब क्या हो गया, भागने बस पीछे आ जाओ, भागता भागता बताऊंगा। तो भगवान विष्णु कहने लगा, जिस डर से तुम भाग रहे हो उसको मैंने मार दिया। उसका ना जच्चा भगवान शंकर कह, क्यों कैसे मार दिया? फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्वती रूप बनाया, और देख यू कड़ा तेरा यू ले रखे मना हाथ में देख तले। तब उसने देखा धैर्य सा बांध गया, सचमुच कहाँ सचमुच कहाँ है वो मरा हुआ? वो मरा हुआ देख लिया ना, जब शंकर का दिल धड़कना बंद होया, अग चाल दिखाऊँ देख यू मरा पड़ा। तो पुण्य आत्माओं यो वो उसके बाद वो भस्मा गिरी, भस्मा असुर कहलाया, तमोगुण का उपासक। अब तीसरा गुण रह गया सतगुण विष्णु की उपासना करने वालों की क्या दशा हुई। एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पर एक कुंभ का मेला लग गया, और उसमें एक समय निर्धारित करते हैं ये आप पर कुछ सोण को सोण करके कि इस समय जो नहा लेगा इस स्थान सरोवर में या दरिया में उसका मोक्ष हो जाएगा, उसके कल्याण हो जाएगा। उस धारणा से ये क्या करते हैं, सभी साधु संत जिनको हम साधु संत कहते हैं, विषगिरी पुरी सन्यासी कनपाड़े नागा वैष्णु, ये सारे तीनों गुणों के उपासक होते हैं, ये वहाँ चले जाते हैं उस स्थान पर और अलग अलग अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे गिरी अपने ग्रुप में, पुरी अपने में, नागा न्यारे और सन्यासी अलग से, कनपाड़े अलग से, बिना कनपाड़े नाथ अलग से, और वैष्णो साधु विष्णु जी के उपासक अलग से। तो ऐसे ही वहाँ जा कर के कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए। जब स्नान करण का समय आया वो पर भी निकट आई, सभी अपने अपने ग्रुप के साथ पूरे के पूरे दल बल के साथ चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने। नागा बिल्कुल नगर रहते हैं, शरीर पर राख लपेटे रखते हैं। वो जाकर के हर की पैड़ी पर छा गए, कई हजारों की संख्या में थे वे। तो वो नहाने की तैयारी करने वाले थे, पीछे से वैष्णु साधु आ गए सतगुण विष्णु के उपासक, वो भी कई हजारों की संख्या में थे। उन्होंने कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते, हम नी इच्छा हैं और हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णो साधु फिर गुस्से में हो गए, कहने लगे अरे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ नहाना न धोना, टट्टी के हाथ बिना धोते शर्ड फिरो, बार मरो तुम, हम पहले नहाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब नागाओं पर इतनी टार कड़े उठे थी, फेर लिया मुँह उल्टा हो गए, न बोले आजा तुम न हम नुहावेंगे, और मुक्को मुक्का लठम लठा तलवार निकाल ली, तीर मारे, यानी 25,000 उस घटना में 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कतलेआम कर डाला, कतलेआम 25,000 कटका मर गए, और गंगा के अंदर सौ सौ ही नजर आ रहे हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में विघ्न होया था। अब यहां बताते हैं उस परमात्मा की अमरवाणी में, तीर तुपक तलवार कटारिये जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग लावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की यह वाणी 600 साल पहले बोली गई थी कि इन तुम संत कहते हो ना, इनके तो दर्शन भी ना करने चाहिए, और जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी पूजा करने वालों को क्या लिखा गीता जी में, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, ये राक्षस नहीं, एक नाण के ऊपर कटके मर गए, कतलेआम कर दिया, दया भी कोई ना इनके, काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया कोई नहीं, और ये जग में साधकों आवे हैं, संत कहे हैं इनको,